डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ सैम्पल क्वेश्चंस, और ये सैम्पल क्वेश्चंस जो हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एचपीएससी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी होती है, उन सब में ही ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चंस से आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में सबसे मेन चीज यही रहती है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हमें थोड़े से एग्जांपल बता दो। तो मैं आपको ऑलरेडी मैं एक वीडियो पहले भी एचपीएससी पीजीटी के लेके आ चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने तकरीबन 10 क्वेश्चंस जो है वो अगेन सैंपल क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे, जिसमें मैंने एचपीएससी और केवीएस को टारगेट किया था। अब मैं और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। अब इनमें मैं थोड़ा सा एक लेवल अप के क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि आपका मान के चलो कि देखो सिंपल सा फंडा है कि आप अगर केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर एचपीएससी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके बाद आपने जाके पढ़ाना किसको है, 11th 12th को पढ़ाना है, या नई जो शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग आपने 9th 10th 11th 12th को पढ़ाना है, तो आप टारगेट किनको कर रहे हो स्कूल लेवल पे, तो आपकी तैयारी जो है वो उसी तरीके से होनी चाहिए, रादर देन कि आप प्रोफेसर लेवल या लेक्चरर लेवल की तैयारी करो, वो थोड़ा लेवल अप होता है, तो आप एक अलग लेवल पे चले जाओगे। इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस जो है वो बहुत जरूरी है, और बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं करने। लेकिन होता क्या है, एग्जाम में जो आपका 11th 12th वाला सिलेबस है उसमें तो क्वेश्चंस जो आएंगे वो तो बिल्कुल इजी टू मीडियम लेवल के होंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें से मान के चलो कि प्रीवियस ईयर गेट के, यूजीसी नेट के, इसरो के, बार्क के, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थोड़े से टफ क्वेश्चन डाल देते हैं। हालांकि वो ज्यादा टफ नहीं भी होते, लेकिन स्टूडेंट को थोड़ा क्यों लगते हैं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उनको टफ लगेंगे। तो मैं आपको उन क्वेश्चंस को भी यहां पे थोड़ा सा टारगेट करके बताता हूं कि अगर टफनेस हुई, अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अप हुआ तो किस तरीके के आ सकते हैं। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन जो है वो डीबीएमएस में से है, डेटाबेस में से है, और उसमें मैं लेके आया हूं सीक्वल में से। अब देखो यहां पे हमने किया क्या है, ये कहता है दो टेबल्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एक तो स्टूडेंट टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल में 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं, डिपार्टमेंट में 2 कॉलम दिख रहे हैं। उसके बाद किया क्या, इसने इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट में 2 रोज जो है वो इंसर्ट कर दी। ये दोनों रोज किस में डाली है, डिपार्टमेंट में, मतलब जो डिपार्टमेंट है उसमें मैंने एक तो डाल दिया 1 और एक मैथमेटिक्स, और दूसरा डाल दिया मैंने 2 और वैल्यू डाल दी फिजिक्स, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, 3 रोज इंसर्ट की है, किसमें, ये 3 रोज इंसर्ट की है मैंने स्टूडेंट में, जिसमें मैंने रोल नंबर डाला है 1, नेम डाला है नवीन, और फिर डिपार्टमेंट आईडी डाली है 1। इसके अलावा मैंने 2 डाला है, मुकेश और 2, और इसके अलावा मैंने 3 गीता, और इस तरीके से 1, मतलब 3 रोज यहां पे डाली, 2 रोज मैंने यहां पे डाली, इस तरीके से कह रहा है। मतलब इतने बड़े क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट डर जाते हैं, बट है कुछ भी नहीं, सिंपल सा फंडा आपको दिखा रहा है। अब वो कह रहा है हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स विल बी रिट्रीव्ड, अगर मैं ये एसक्यूएल क्वेरी रन करता हूं, कौन सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा डिपार्टमेंट। अब यार ये स्टूडेंट कॉमा डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को कार्टीजन प्रोडक्ट कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर एक में m नंबर ऑफ रोज है, दूसरे में n नंबर ऑफ रोज है, तो टोटल रोज कितनी हो जाती है, जब प्रोडक्ट किया तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी अगर एक में मेरी 3 थी, दूसरे में मेरी 2 थी, तो टोटल रोज कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर एक में एक्स नंबर ऑफ कॉलम्स है, दूसरे में वाई नंबर ऑफ कॉलम्स है, ध्यान रखना कॉलम की बात कर रहा हूं, मतलब ये जो आपकी डिग्री, ये 3 है, यहां पे 2 है, तो अगर मैं दोनों को क्रॉस जॉइन करता हूं तो कॉलम कितने हो जाते हैं, प्लस, दोनों का प्लस, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रो, और कॉलम क्या होते हैं, प्लस। तो यानी यहां पे एक में 3 कॉलम है, एक में 2 कॉलम है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5, यानी नंबर ऑफ रोज आपकी कितनी हो गई, 6, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए आपके, 5। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं बार बार सिंपल, मे भी आपको सिंपल ना लगे, लेकिन सिंपल मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो हम लोग तैयारी करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, इसी अकॉर्डिंग करवा रहे हैं कि जहां पे हम इजी, मीडियम, टफ सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर सके, और साथ ही साथ स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट और डाउट, मतलब कॉन्सेप्ट भी हो गए, डाउट जो है वो लाइव क्लास में हो जाते हैं, प्लस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं, तो सारा फुल ऑन पैकेज जो है वो आपको मिल रहा है सबसे कम कॉस्ट में। अगर आपने अभी भी तैयारी करना चाहते हो, अभी भी आपके पास 1 महीने से ज्यादा टाइम है, अभी तो आराम से, अभी तो डेट्स आई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान के चलना कि फेब में या मार्च में हो, तो अपने पास सफिशियंट टाइम है, तो मैं आपको यहां पे व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूं,
8650019, ठीक है। तो ये नंबर है जी, व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो और यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट परचेज लिंक भी डाला हुआ है, अगर आपने कोर्स परचेज करना वहां पे भी कर सकते हो। मेरी अभी भी क्लासेस जो है वो चल रही है वहां पे लाइव और रिकॉर्डेड आपको सारा मिल ही जाएगा। देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोर। पाइथन तो भैया भर भर के आएगी केवीएस में भी और एचपीएससी में भी, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेबस ही पाइथन का है और इजी है। अगर 15 क्वेश्चन आते हैं ना तो मान के चलो 15 के 15 आप ठीक कर सकते हो, कोई टफ नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। तो यहां पे देखो हमने किया क्या, नमपाई नमपाई हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया एज एनपी, और उसके बाद यहाँ पे हमने किया कि मतलब पैकेज है नमपाई जो है वो हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल पाइथन, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और एक एरे क्रिएट किया। नॉर्मल पाइथन में तो एरे होता नहीं, एरे हमने नमपाई के थ्रू यूज किया और 0 1 2 3 टू डायमेंशनल एरे हमने बनाया, टू डायमेंशनल एरे, और ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो रो होती है वो आपके एक तरह से मतलब जो रो होती है वो कॉलम बन जाते हैं और जो कॉलम होते हैं वो रो बन जाती है। जैसे यहाँ पे क्या था आपका 0 1 2 3 आपने बनाया, ठीक है, तो ये आपकी जो थी क्या है रो और ये क्या है कॉलम, तो आप कह सकते हो कि जो आपकी कॉलम है वो रो बन गए, मतलब ये 0 2 हो गया और जो ये आपका इस तरीके से, तो रो जो है वो आपकी ये रो थी, ये कॉलम बन गया, ये रो थी ये कॉलम बन गया, या आप ये भी कह सकते हो कि जो कॉलम था वो रो बन गई, आप किसी भी तरीके से, तो यानी आंसर आपका ये जो है वो बन जाएगा। देन What will be the output of the following pattern? ये भी numpy के ऊपर डाला हुआ क्वेश्चन, और इसमें क्या कह रहा है rand int, यहाँ पे ये random के लिए, random जो है वो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, random जो है वो एक्चुअल में यूज किया जाता है, एक आपका मॉड्यूल है जिसके अंदर जैसे random, statistics बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, तो उसमें ये random numbers को जनरेट करने के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पे random number जनरेट कर सकता हूँ कुछ भी, तो ये मैंने क्या दे दी, लिमिट दे दी 100, मतलब 0 से 100 के बीच में कोई भी नंबर जनरेट करेगा। तो अगर मैं कहूं कि 58, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे फटाफट से 58 को आंसर मार्क करके भाग जाएंगे, लेकिन गलत हो गया। क्यों, ध्यान से देखो, ये जरूर गलत है, ये भी तो सही है ना, 64 भी तो सही है, तो यानी डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी ये एक्यूरेट हुआ, तो ये मत लगा देना। आप कहोगे सर ठीक तो है 58, ठीक तो है, लेकिन चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपको वहां पे खतरा हो सकता है। तो बोथ ए एंड सी, 108 नहीं आएगा क्योंकि लिमिट जो है वो 0 से 100 में है। देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्गोरिदम का, डेटा स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से दिया हुआ है, एक लूप यहाँ पे है और दूसरा लूप मेरा यहाँ है। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कि ये लूप 1 से लेके मतलब 0 से लेके एम तक चल रहा है, तो मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैक्सिमम एन, और ये 0 से लेके एम तक चल रहा है, तो इसकी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एम। लेकिन क्या इन दोनों में कोई रिलेटिविटी है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन आपस में, नहीं, कोई डिपेंडेंस ही नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ये अलग लूप चल रहा है, ये अलग चल रहा है, तो यानी मैक्सिमम क्या हो सकती है आपकी, एन प्लस एम हो सकती है, मैक्सिमम आपकी क्या हो सकती है, एन प्लस एम हो सकती है। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि अगर आपको रियल टाइम में कुछ दे दे कि एक अगर एन टाइम ले रहा है दूसरा एम टाइम ले रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो जो एन और एम में से मैक्सिमम होगा वो भी, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो ये आपका इस तरीके से काम करेगा, तो आंसर आपका ये वाला बन जाएगा। हाँ, अगर ये लूप मैं इसके अंदर लगा दूं, ये लूप अगर मैं नेस्टेड कर दूं, फिर एन स्क्वायर हो जाएगी, फिर ऑब्वियसली एक वैल्यू के लिए एन टाइम चलेगा, तो एन वैल्यू के लिए एन टाइम मतलब एन स्क्वायर हो जाएगी, तो वो डिपेंडेंसी है। देन इंसर्शन सॉर्ट, सारे सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिदम्स की आपको पता होनी चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। तो इंसर्शन सॉर्ट बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, तीनों की। तो इंसर्शन, ये वर्स्ट केस पूछ रहा है, इंसर्शन सॉर्ट के केस में वर्स्ट केस क्या होती है, एन स्क्वायर, बेस्ट केस होती है ऑर्डर ऑफ एन, वर्स्ट होती है एन स्क्वायर। मर्ज सॉर्ट में सब जगह एन लॉग एन, बेस्ट वर्स्ट एवरेज सब जो है वो एन लॉग एन, और जो आपका क्विक सॉर्ट होता है उसमें नॉर्मल केस में एन लॉग एन, मतलब बेस्ट और एवरेज में कह सकते हैं एन लॉग एन, लेकिन वर्स्ट केस में होती है एन स्क्वायर। तो बेस्ट वर्स्ट ये सारा आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो इंसर्शन सॉर्ट के केस में बेस्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ एन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इवन बबल में भी ऑर्डर ऑफ एन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करते लो। देन ये सारी चीजें आपको उसमें बहुत अच्छे से कवर करवाई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेंड, प्राइमरी की यस इट इज अ कंस्ट्रेंट, नॉर्मल इज अ कंस्ट्रेंट, चेक इज अ कंस्ट्रेंट, यूनियन इज नॉट अ कंस्ट्रेंट इन दिस। देन कंसीडर अ सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ, 10 वर्टेक्स है मेरे पास और मेरे को निकालनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है वो कंप्लीट ग्राफ में होती है। ग्राफ का पोर्शन भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इजी है और बड़ा अच्छा पोर्शन है। तो यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू।
n into n minus 1 divided by 2 complete graph में, तो 10 into 9 divided by 2 करोगे तो ये आपका 45 आ जाएगा, ठीक है, complete graph का। then यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कह रहा कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और स्टूडेंट में मैंने क्या डाला, एक नेम डाल दिया, स्टूडेंट की आईडी डाल दी, जेंडर डाल दिया और प्राइमरी की बना दिया स्टूडेंट आईडी को। वो कह रहा है व्हाट विल बी द डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है आपका कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यार कितने कॉलम है, एक नेम, एक आईडी और एक जेंडर, ये तो प्राइमरी की बनाया ना, तो आपके कॉलम तो तीन ही हुए, तो यानी डिग्री क्या है, तीन। कार्डिनलिटी होती है रो, डिग्री होती है आपकी, डिग्री भी बोल देते हैं इसको, एरिटी भी बोल देते हैं, दोनों में से कोई भी आपको याद रखना है। तो ये होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बड़े बेसिक क्वेश्चन भी आपको कवर करने हैं, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो यहां पे इसीलिए जो मैं आपको बोल रहा हूं बार बार कि हम लोग जो आपके लिए लेके आए कोर्स, उसमें आपको इजी क्वेश्चन भी वहां पे कवर करवा रहा हूँ, मीडियम भी और टफ लेवल के भी। तो इसीलिए आपकी पूरा पैकेज फुल ऑन तैयारी जो है, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स, जहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस मिल रही है, लाइव क्लासेस मैं खुद वहां पे एक्सप्लेन करता हूँ सारे क्वेश्चन, सारे डाउट स्टूडेंट्स के, और साथ ही साथ आपके टेस्ट सीरीज भी जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, सब्जेक्ट वाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए अभी भी आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो, कोई देरी नहीं हुई, कोई देरी नहीं हुई। ये मत सोचना कि सर हम तो लेट हो गए, ये वो, कोई देरी नहीं हुई, इजीली कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। बस ये है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी और कोर्स फटाफट से लेना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन विंडोज, यस विंडोज में भी आपको पता होना चाहिए कौन सा लेटेस्ट चल रहा है, कौन सा पहला आया था। देन लिनक्स, लिनक्स में भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे रेड हैट है, फेडोरा है, काली है। देन ओरेकल, ओरेकल जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल जो है वो एक डेटाबेस है, ठीक है, जैसे सीक्वल सर्वर, ओरेकल, आईबीएम DB2, ये सारे। डोज इज ऑल्सो अ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन VOIP, VOIP जो नेटवर्क्स है ना, नेटवर्क्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं उनकी फुल फॉर्म, कौन से लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सी लेयर में कौन सा डिवाइस काम करता है, उनकी फुल फॉर्म, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो VOIP जो है वो आपका एप्लीकेशन लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, लास्ट लेयर जो होती है, सेवंथ लेयर OSI के अकॉर्डिंग। तो एप्लीकेशन लेयर में VOIP होता है, जो हम सब लोग यूज करते हैं, दैट इज वॉइस ओवर IP। अब आप पूछोगे सर कैसे यूज करते हैं, भैया स्काइप यूज किया होगा, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हो तो वॉइस कॉल करते हो ना, वो वॉइस कॉल यही तो है। मैसेंजर पे, जैसे फेसबुक मैसेंजर पे आप कॉल करते हो वॉइस, आजकल आपने देखा ही है सबसे ज्यादा कॉल जो है वो VOIP के थ्रू हो रही है, मतलब जो नॉर्मल आपका IP नेटवर्क है उसके थ्रू हम लोग वॉइस भेज रहे हैं, डेटा के साथ साथ वॉइस भेज रहे हैं, दैट इज VOIP। देन ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, परम इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जनरल सा क्वेश्चन है, मतलब आपको ऐसा नहीं कि सारा कंप्यूटर पे ही मतलब स्टिक करके रहना है, आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए कंप्यूटर्स की भी, लेटेस्ट टेक्निक क्या चल रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, इमर्जिंग ट्रेंड्स कौन कौन से हैं, उनमें आपका कौन कौन सी टेक्नोलॉजी काम करे, बिग डेटा पे कौन सी टेक्नोलॉजी, IoT में कौन सी टेक्नोलॉजी है, आपका जो ऑगमेंटेड रियलिटी है कौन सी टेक्नोलॉजी है, AI वगैरह में, मशीन लर्निंग। तो ये बेसिक पॉइंट्स, आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, नाम आपको टेक्नोलॉजीज टेक्निक के नेम पता होने चाहिए। तो परम जो है वो क्या है, इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, दिस इज अ सुपर कंप्यूटर, नेम ऑफ अ सुपर कंप्यूटर, दैट इज परम, ठीक है। तो अलग अलग बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, आप विकिपीडिया पे जाके लिस्ट भी चेक कर सकते हो, इंडिया में भी बहुत सारे, अपना विप्रो का भी एक, उनका सुपरनोवा है, एक एग्रा है, परम है, इवन बाहर के अगर देखा जाए तो चाइना के, USA, सब कंट्रीज के अपने अपने सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो कि हाई कॉम्पिटिशनल, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन नोट करना, और जो भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था, और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी चेक कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।